हाय एवरीवन, दिस टाइम नीलम साहू। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करने आई। व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क अकॉर्डिंग टू यू? आज मैंने अपने एक फ्रेंड से सेम क्वेश्चन किया कि रिस्क क्या है तेरे अकॉर्डिंग। उसने मुझे आंसर दिया, रिस्क वो है जो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन फेस करते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन फेस करते हैं। और जब मैंने एक एंटरप्रेन्योर से सेम क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझे आंसर दिया, द रिस्क इज दैट व्हेन यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन सिंगल इनकम ऑफ सोर्स। व्हाट इज योर आंसर? कमेंट इट डाउन। आज के इस मॉडर्न टाइम पर बिजनेसमैन ही नहीं, जॉब पर्सन और एम्प्लॉयज भी रिस्क फेस कर रहे हैं। कैसे? आज के टाइम पे बिजनेसमैन के पास मल्टीपल इनकम सोर्स अवेलेबल होता है, जबकि एक जॉब पर्सन पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल होता है। इट मीन्स जब तक वो काम कर रहा है तब तक उसे पैसे आएंगे, अगर उसने काम करना बंद कर दिया उसे पैसे आने बंद हो जाएंगे। और सच में यार, इससे रिस्क की चीज क्या हो सकती है आज के टाइम पर? कोविड टाइम पे कई सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया, जो सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे थे, वो अपना लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम यार? वो एक टाइम था, मैं मान लू, जब लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब पाकर अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे। लेकिन यार वो टाइम गया। उस टाइम पे लोगों के पास फोन अवेलेबल नहीं होते थे, लोग एसटीडी और लैंडलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। उस टाइम पे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते थे, सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होते थे। उस टाइम पे मूवी सिर्फ थिएटर्स में चलते। देखो आज के टाइम पे सब कुछ चेंज हो गया है, लोग बदल चुके हैं, टाइम बदल चुका है, टेक्नोलॉजी सिस्टम बदल चुकी है, ये जो पढ़ लिख कर जॉब करने वाली स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है। इट इज नॉट सेफ इन टुडेज एरा, जहाँ आज के टाइम पर जॉब पर्सन अपनी जॉब को लेके इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वही एक बच्ची बच्चे सोशल मीडिया का यूज करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर बन रहे, वो भी अपनी स्टडीज को कम्प्लीट किए बिना। आज मैंने एक रील देखी थी जिसमें बताया गया था, जॉब सिर्फ आपकी नीड पूरी कर सकता है, ड्रीम पूरे करने के लिए आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही यार कि जॉब गलत है, बिजनेस सही है। हर एक चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, वैसे बिजनेस और जॉब के भी प्रोज एंड कॉन्स। नौकरी सिर्फ नौकर वर्ड को रिप्रेजेंट करती है, नौकरी सिर्फ नौकर वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। आप किसी के अंडर वर्क करते हो, आप किसी के मर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, लेकिन बिजनेस में आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हो, एज अ बॉस वर्क करते हो। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम, आपको फ्रीडम ही फ्रीडम प्रोवाइड होती है। आज के टाइम पे मैंने कई सारे पर्सन को ऐसे देखा है जिनको फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद नहीं है, जिनको टाई यूज करना पसंद नहीं है। वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऑफिस का ड्रेस कोड ही वही है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। आप अपने ही पर्स फुट कर दो, लेकिन उसका रिजल्ट किसी और को मिलता है, आपको सिर्फ फिक्स सैलरी मिलती है। जबकि बिजनेस में अगर आप जितने भी पर्स फुट करो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। बिजनेस में आप अपने वर्क के रिगार्डिंग मल्टीपल एम्प्लॉयज को बिठा सकते हो जो आपका वर्क कर सकते हैं, और आपकी हाई लीवरेज आपके हाई इनकम ग्रोथ को शो करेगा। नौकरी में आपको लिमिटेड लर्निंग अवेलेबिलिटी होती है, आपको अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड प्रोवाइड होती है, आप जिस पोस्ट के लिए हायर किए हो आपको उसके उसकी अवेलेबल होगी। लेकिन बिजनेस में आपको जिस सेक्टर में आपका बिजनेस है आप उसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी, जिसे आप ग्रैप करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। I will definitely help you within 24 hours.